हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे काफ़ी बच्चों के ये कमेंट्स थे कि मैम फैशन डिज़ाइनिंग एंड क्राफ्ट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड एमसीक्यू अपलोड कर दीजिए मैम, क्योंकि ये एक हमारा माइनर पेपर है। तो जो भी आपका माइनर पेपर है आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एमसीक्यू पीवाईक्यू अपलोड कर देंगे चैनल पर, ठीक है। तो इसमें हम 25 एमसीक्यू देखेंगे इस सीरीज़ में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑफ्टन यूज्ड साइनोमसली विथ ग्लैमर एंड स्टाइल। ये जो फॉलोइंग वर्ड्स हैं जो दिए गए हैं ऑप्शंस में, वो यूज किए जाते हैं स्टाइल, फैशन, आर्ट की रन ऑफ दिस। तो फैशन जो है, ये वर्ड जो है यूज किया जाता है किसके लिए, ग्लैमर और स्टाइल के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द नेक होल एंड शेप द स्लीव्स ऑफ द गारमेंट। फ्रेंच कर्व, एल कर्व, राइट एंगल टेलर कर्व की फुट रोल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ए, फ्रेंच कर्व जो होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या डिटरमाइन करने के लिए, डेप्थ ऑफ द नेक होल और शेप ऑफ द स्लीव्स ऑफ द गारमेंट। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी ये पीडीएफ मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप कोई भी, आपका कोई भी सब्जेक्ट आपका माइनर है, तो आप सारे माइनर कोर्सेज के पेपर एक जगह ले सकते हो, पीवाईक्यू, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, जो कि वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपका मेजर कोर्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपका माइनर भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसमें पास नहीं होगे तो रिजल्ट भी आपका रुक सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, 8896914354। कोई भी क्वेरी हो आप बता सकते हैं, और एग्ज़ाम में आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को भी कोई भी आपका माइनर पेपर हो, ठीक है, तो आप ले सकते हो कोई भी आपका, जैसे न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन है, साइबर लॉ है, कोई भी, तो आप सारे कंटेंट हमारे पास आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिस माध्यम में आप चाहते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ मोटर ऑफ स्टेट नाइफ कटिंग मशीन। ए है 800 to 1600 RPM, 3000 to 4000 RPM, 2000 to 3000। तो याद रखिएगा, स्पीड ऑफ अ मोटर ऑफ स्टेट नाइफ का पूछा है कटिंग मशीन, तो कितना होता है, 3000 to 4000 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टिच। सबसे पुराना यहाँ पर पूछा है, तो हैरिंगिंग बोन स्टिच, लेजी डेजी स्टिच, मैजिक चेन स्टिच की फेदर स्टिच। तो हैरी बोन जो स्टिच है वो सबसे पुराना गया है यहाँ पर, ओल्डेस्ट स्टिच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेविंग प्रोसेस इज अडॉप्टेड फॉर सेविंग लेदर। इसमें से कौन सा सेविंग प्रोसेस जो है अडॉप्ट किया जाता है सेविंग लेदर के लिए, फ्रेंच सीम, फ्लैट सीम, लैब्ड सीम, ये टॉप स्टिच सीम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज सी। मतलब फैशन डिजाइनिंग में जितने आपके कौन कौन सी चीज़ें उसमें यूज होती हैं क्राफ्ट से रिलेटेड, बेसिक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बार बार कोर्स में एनरोल हो जाओ, कोर्स को परचेस कर लो, वहाँ पर आपको, और माइनर में आपके 100 MCQ आने हैं, ठीक है, 100। और माइनर एक ऐसा है जो कि सबके लिए नया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द विजिबल लेयर ऑफ द वूल व्हेन व्यूड थ्रू अ माइक्रोस्कोप। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, मेडुला की ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हमें दिखता है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। एपिडर्मिस की बात करें, कॉर्टेक्स की बात करें, मेडुला की बात करें, माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखता है। इज़ इट अ परमानेंट इम्प्रूवमेंट। ए, वाटर प्रूफ, एक परमानेंट इम्प्रूवमेंट है। डाइनिंग वाइट क्लॉथ्स। बी, सी है श्रिंकेज रेजिस्टेंस, की डी है रिंकल रेजिस्टेंस। तो परमानेंट इम्प्रूवमेंट कौन सा है, इंडिगो या ऑन वाइट क्लॉथ्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यूजिंग स्मॉल एंड बिग फ्रेंज इन होम डेकोरेशन रिलेटेड क्लॉथ्स एंड गर्ल्स फ्रॉक, उसे हम क्या कहते हैं। जो फ्रेंज यूज कर दिए जाते हैं छोटे या बड़े, जो कि हम घर के डेकोरेशन के लिए जो भी क्लॉथ्स यूज़ किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गैदर्स, टक्स, फ्रिल की लेस, तो उसे हम फ्रिल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंचेस की अगर हम बात करें, इन द रॉ एज फोल्डेड इन अ स्टिच एंड टर्न देम। तो 1/4, 1/2, 1/8, 1, तो दैट इज 1/4, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग अ ले आउट। सेविंग ऑफ क्लॉथ्स, बी है सेविंग ऑफ टाइम, सी है सेविंग ऑफ मनी, की ऑल ऑफ द अबव। तो क्या बेनिफिट्स होते हैं मेकिंग अ लेआउट, तो दैट इज़ सारे के सारे होते हैं, क्लॉथ्स को सेव करना, टाइम को, मनी को, तीनों चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। अनोदर वर्ड यूज्ड फॉर सिलहाउटी इज, शेप हो गया, साइज हो गया, बॉडी की फिगर, तो दैट इज क्या हो जाएगा, 40, ये बॉडी होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम की अगर बात करें, डिस्प्लेज ह्यू वैल्यू एंड इंटेंसिटी ऑफ कलर। ए है पिगमेंट थ्योरी की बात करें, बी है पैरंग कलर सिस्टम की बात करें, सी है मैनशील कलर सिस्टम की, नन ऑफ दी अबव।
तो इसमें से कौन सा फॉलोइंग सिस्टम डिस्प्ले करता है वैल्यू और इंटेंसिटी ऑफ कलर्स को, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मैनशील्ड कलर सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी. थिक कॉटन क्लॉथ्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सीजन्स. थिक कॉटन जो क्लॉथ्स हैं किस सीजन में यूज़ किए जाते हैं, समर में, विंटर में, रेन में, कि नन ऑफ द अबव. तो दैट इज यहाँ पर क्या यूज़ किए जाते हैं, दैट इज इन ए समर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैशन डिजाइनर्स हैज़ अ बुटीक इन कोलकाता. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सब सब्यसाची मुखर्जी, मनीष मल्होत्रा, ऋतु कुमार, रोहित अंबल. तो कौन से फैशन डिजाइनर जो कि है बुटीक है कोलकाता में, दैट इज सब्यसाची मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है, माउंटेनर यूजेस इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गॉगल्स. ए है अविटार, गूगल, सन ग्लासेस, की नन होती है. तो कौन सा यूज़ किया जाता है टाइप्स ऑफ गॉगल्स की अगर हम बात करें, तो ऑप्शन नंबर दैट इज सी, सन ग्लासेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज़ ऑफ फॉलोइंग कलर्स मेक्स द बॉडी अपीयर स्मॉलर. ए है ब्राइट और हम लाइट कलर्स की बात करें, डल और डार्क कलर्स की बात करें, ओनली लाइट कलर्स ही, ओनली ब्राइट कलर्स. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डार्क जो कलर्स होते हैं, डल एंड द डार्क कलर्स क्या होते हैं, ये कलर्स मेक द बॉडी अपीयर स्मॉलर. ले आउट इन विच ब्रिक इफेक्ट इज विजिबल होता है. तो स्पॉट ले आउट की बात करें, हाफ ड्रॉप ले आउट की बात करें, सी है बॉर्डर ले आउट की नन होती है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देट इज़ हाफ ड्रॉप ले आउट, ये ज़्यादा इफेक्ट होता है, दैट इज जो विजिबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ए डी इज़ यूज इन डिजाइन विच आर द फॉलोइंग इन 2D. कर्व एंड सर्फस की बात करें, कर्व एंड फिगर्स की बात करें, सर्फस एंड सॉलिड की बात करें, फिगर्स एंड सर्फस की. तो सी ए डी जो होता है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, कर्व और फिगर्स के लिए, ऑप्शन नंबर बी. बेसिक क्वेश्चन आपसे फैशन डिजाइनिंग में पूछे जाएंगे और टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की बात करें, ये ऑर्गेनाइज होता है एवरी ईयर एट द फॉलोइंग प्लेसेस. कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, क्या इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये भी नाम याद रखना, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है. तो पुणे में होता है, अहमदाबाद, दिल्ली की, कोलकाता. तो दिल्ली में ये इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, हर साल. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक की अगर हम यहाँ पर बात करें, एब्जॉर्बेंट पेपर इज प्लेस्ड अंडर द स्टेन. ए है डिपिंग, स्पॉन्जिंग, बोथ की नन ऑफ दी. तो इन स्पॉन्जिंग ये ऐसा टेक्निक है जो कि यहाँ पर इट इज़ प्लेस्ड अंडर द स्टेन, बी ऑप्शन. इफ द क्लॉथ इज ऑफ नायलन देन इन विच सॉल्यूशन को डिप्ड किया जाता है टेस्ट के लिए. सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट की पोटेशियम कार्बोनेट. तो दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए. ठीक, नेक्स्ट है, पॉलिस्टर इज सॉल्युबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग. ए है मेट्रोसिल, फॉर्मिक एसिड, एसीटोन की सल्फ्यूरिक एसिड. तो पॉलिस्टर इज सॉल्युबल, इसमें से किस है, तो मेटासिल, ऑप्शन नंबर ए. एट विच डिस्टेंस आर द स्टीचेस जो होते हैं प्लेस्ड किए जाते हैं टू मेंटेन द ट्रम्पेट इन अ हैरी बोन. 1/4, 1/2, 1/8, 1. तो ऑप्शन नंबर बी, 1/2. अगर आप इस सारे PDF को अगर हिंदी में अच्छे से पढ़ते हो ना, तो बहुत ज़्यादा ईजी समझ पाएंगे. ठीक है, तो हिंदी का PDF हमसे परचेस कर सकते हैं आप. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन वॉट प्रिंसिपल इज द स्टेपलेस ड्रेस बिल्ट. एक्सेस फुलनेस, परसीवर प्रिंसिपल, डार्क मैनिपुलेशन, की नन होती हो. तो प्रिंसिपल, परसीवर प्रिंसिपल, ये ऑप्शन नंबर बी है. परसीवर प्रिंसिपल जो होता है इज द स्टेपलेस ड्रेस बिल्ट. नेक्स्ट है, कन्फॉर्मिटी इन डिज़ाइन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी, बैलेंस, रिदम की रेशियो. तो इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज यूनिफॉर्मिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंज प्लस ग्रीन प्लस पर्पल कलर्स कम इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस कैटेगरी में आते हैं. ये एक प्राइमरी कैरेक्टर होता है, सेकेंडरी कैरेक्टर होता है, टर्शरी की नन होती हो. तो ऑरेंज की बात करें, ग्रीन की बात करें, पर्पल कलर, ये बेसिकली आपके सेकेंडरी कैरेक्टर्स में आते हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है, इज इन्फीरियर ज्वेलरी जो होता है वर्थ लेस देन अ फाइन ज्वेलरी. तो ब्रिज ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, क्लासिक की फाइन ज्वेलरी. तो ब्रिज ज्वेलरी जो होता है ये इन्फीरियर ज्वेलरी होता है, अगर हम बात करें फाइन ज्वेलरी के कंपैरिजन में, दैट इज. नेक्स्ट है, विच कलर इज ओबटेन फ्रॉम इक्वल अमाउंट्स ऑफ एडजस्टमेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर. तो प्राइमरी करेक्टर की बात करें, सेकेंडरी करेक्टर और टर्शरी की नन होती है. तो कौन सा कलर पाया जाता है अगर इक्वल अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कलर का होता है, तो यहाँ पर टर्शरी करेक्टर, सी ऑप्शन.
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड साइमेट्रिक इक्विलिब्रियम, जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल इक्विलिब्रियम, फॉर्मल इक्विलिब्रियम, रेडियल इक्विलिब्रियम की नाम होती है तो उसे हम फॉर्मल बोलते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुछ आपके 25 MCQ थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप और MCQ चाहते हो तो जल्दी से भाई PDF खरीदो और PDF को खरीद के आराम से पढ़ो, क्या दिक्कत ही है। ठीक है, तो देरी ना करो भाई, कोर्स को परचेस कर लो, प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, आराम से उस PDF में 150 MCQ मिल जाएंगे। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, नंबर मैंने पिन किया है वहाँ पर, आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।